ये आप देख सकते हैं हमारा 1 लीटर दूध है, इसे हमने गर्म करने के लिए रखा है। चलिए तब तक कस्टर्ड पाउडर बना लेते हैं। ये हमारा कस्टर्ड पाउडर है, बनाना फ्लेवर है, आप अपने हिसाब से कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। और ये हमने ठंडा दूध लिया है, 1/2 कप के करीब दूध लिया है। अब हम इसमें 4 छोटे चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। 1, 2, 3 और ये हमारा 4। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आप इसे मिक्स करें कि इसमें कोई भी गांठे ना रहे, लंग्स ना रहे, एकदम बारीक पेस्ट बन जाएगा, स्मूथ क्रीम की तरह। तरीके से ये हमारा घोल, कस्टर्ड घोल रेडी है। अब हम चलते हैं, अपना दूध देख लेते हैं। अब देख सकते हैं हमारा दूध 1 बॉल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा दूध अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें चीनी ऐड करें। ये देख सकते हैं हमने 1/2 कप चीनी लिया, तो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं कम मीठा खाती हूँ, इसलिए मैंने कम चीनी डाला, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद ये चीनी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए दूध में, उसके बाद इसमें हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अच्छी तरह हमारा चीनी इसके अंदर घुल जाए, देख सकते हैं आप किस तरीके से। फ्लेम हम हाई कर देंगे, 2 मिनट इसे पका लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा कस्टर्ड पाउडर है। इसे दूध में डालने से पहले अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि ये नीचे जम जाते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसमें हम धीरे धीरे ऐड करेंगे, एक साथ ही सारा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे, नहीं तो ये दूध में नीचे जम जाते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से पका लें। आप इसे जब तक पकाएं, जब तक ये अच्छी तरीके से आपको जितना गाढ़ा चाहिए उतना गाढ़ा नहीं बन जाता और इसकी स्मेल निकल जाए। हमारा कस्टर्ड पाउडर में से स्मेल आती है, वो ख़त्म हो जाए जब तक आप इसे पकाएं। चलिए इसे 2 मिनट और पकाते हैं। आप देख सकते हैं हमारा 2 मिनट हो चुका है, ये थोड़ा सा थिक होने लगा है, लेकिन इसे अभी हम और पकाएंगे, अभी इसे और गाढ़ा करेंगे। अभी ये हमारा कस्टर्ड पतला है। आप देख सकते हैं हमारा 5 मिनट हो चुका है, ये देखिए कितना थिक हो चुका है, ये देखिए। इसे हम चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारा कस्टर्ड नीचे से जल जाएगा। इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी, मुझे गाढ़े कस्टर्ड बहुत पसंद है, मैं गाढ़ा ही बनाती हूँ और मेरे बच्चों को गाढ़ा ही पसंद है। आप अपने हिसाब से पतला भी बना सकते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट मैं इसे और पकाऊंगी। अब ये हमारा कस्टर्ड हो चुका है, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ये देखिए देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम इसे फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर ठंडा होने देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। ये हमारा चूल्हा बंद हो चुका है, आप इसे ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं और हवा के नीचे भी रख सकते हैं, और इसे बीच बीच में चलाते रहें ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना जमे, मलाई सी पपड़ी जम जाती है वो ना जमे। मैं इसी तरह से इसे ठंडा कर लूँगी। ये मैंने सारा कस्टर्ड एक कांच के बॉल में पलट लिया है, अब मैं इसे नीचे फ्रिज में रखेंगे। तो आप इसे 5 घंटे के लिए रखें, अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रख के ठंडा कर सकते हैं।
लिए मैं इसे फ्रिज में, आप देख सकते हैं ये हमारा कस्टर्ड फ्रिज में एक घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना थिक हो गया ये, देखिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये सारे हमारे कटे हुए फ्रूट्स, ये है ऑरेंज को मिक्स कर देंगे, ये हमारा अंगूर, ये है हमारा अनार, और ये है केला, और ये है सेब, और ये है पपीता। आपको जो फ्रूट्स पसंद हो आप वो फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ये सब इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमने मिक्स कर दिया है ऐसे गार्निशिंग के लिए। थोड़ा सा ऊपर से इस तरीके से आप अनार डाल दें, ये थोड़ा सा सेब डाल दें इस तरीके से गार्निशिंग के लिए, और ये थोड़ा सा ऑरेंज डाल दें। आप इसके अंदर अपने पसंद के सारे फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, मुझे जो अच्छे लगते हैं मैंने वही डाल दिए। इस तरह से गार्निशिंग कर लीजिए, और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और बहुत ही टेस्टी इस तरीके से। और इसको लास्ट में मैं थोड़ा सा टूटी फ्रूटी ऐड करूँगी, कि आप देख सकते हैं ये हमारा होममेड टूटी फ्रूटी है, इसे मैं ऐड करूँगी। इसे बहुत ही सुंदर कलरफुल आता है, ये मैंने टूटी फ्रूटी इसके अंदर ऐड कर दिया। ये बहुत ही हेल्दी होती है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये रमज़ान में आप बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, सर्व करिए। आप देख सकते हैं ये हमारा टूटी फ्रूटी, और सब कुछ ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल सकते हैं आप अपने पसंद से। मैं बस इतना ही कुछ सामान डालूँगी, ये ऐसे ही मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। आप इसे ज़रूर खाइए और देखिए कितना अच्छा और कितना टेस्टी बना है। क्या थिकनेस निकाल के दिखा सकती हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए इस तरीके से, देखिए मुझे जिस तरीके गाढ़ापन चाहिए था बिल्कुल वैसे ही बना है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से बनाइए, अपने घर में बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। रमज़ान में आप बना के खिला सकते हैं, ठंडा करके बच्चों को खिलाइए। अगर मेरा ये कस्टर्ड फ्रूट कस्टर्ड अच्छा लगा हो तो आप मुझे ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को पास करेंगे, शेयर करेंगे।